30 मई को केंद्र में भाजपा की मोदी सरकार को 7 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में भाजपा द्वारा शुक्रवार को एक निजी स्कूल में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसके संबंध में भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह ने बताया कि 30 मई को केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा के सरकार को 7 वर्ष पूरे हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि कोविड महामारी को देखते हुए पार्टी ने तय किया है कि कहीं पर भी उत्सव नहीं मनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि केंद्र में 7 वर्ष पूरे होने पर सेवा कार्य के तहत रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है, जिसमें प्रदेश के भाजपा कार्यकर्ता सभी जनपदों में रक्तदान कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रतिदिन 100 यूनिट रक्तदान का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने कहा कि यह रक्तदान शिविर 30 मई तक चलेगा, साथ ही 30 मई को भाजपा के कार्यकर्ता गांवों में जाकर मास्क, सैनिटाइजर तथा मेडिकल किट का वितरण करेंगे। उन्होंने आगे बताया कि कोविड महामारी में भाजपा कार्यकर्ता कोविड मरीजों की रक्त की कमी को पूरा करेंगे तथा जहां पर भी रक्त की आवश्यकता होगी वहां पहुंचकर रक्तदान करेंगे। इस अवसर पर महानगर अध्यक्ष राजेश गुप्ता सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए भाजपा के महानगर अध्यक्ष राजेश गुप्ता और क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह ने कहा, केंद्र में मोदी जी के नेतृत्व में लोकप्रिय सरकार के 7 वर्ष पूरे होने के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं के द्वारा आज सेवा ही संगठन को चरितार्थ करते हुए ब्लड डोनेशन का आज का कैंप यहां लगाया गया है। युवा मोर्चा के कार्यकर्ता उत्साहित होकर ब्लड डोनेशन कर रहे हैं। इस कोविड के कार्यकाल में भारतीय जनता पार्टी के ही कार्यकर्ता लगातार सेवा का कार्य करते आ रहे हैं। आज उसी कड़ी में रक्तदान जो सबसे बड़ा दान है, आज उस चीज़ को चरितार्थ करते हुए युवा मोर्चा के कार्यकर्ता रक्तदान कर रहे हैं ताकि कोविड के पेशेंटों को और अन्य गंभीर बीमारियों से ग्रसित पेशेंटों को ब्लड चढ़ाया जा सके। आज उसी कड़ी में यह कार्यक्रम आयोजित है। अभी शुरू हुआ, 1 घंटा हुआ, लगभग 5 लोगों ने किया है और हम सभी का लक्ष्य है कि 100 लोगों का रक्तदान कराया जाए। 30 मई को भारतीय जनता पार्टी के नेता और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के दूसरे कार्यकाल का दूसरा वर्ष यानी 7 वर्ष पूरे हो रहे हैं और उसी के उपलक्ष्य में कोरोना की वैश्विक महामारी में पार्टी ने तय किया है कि हम कोई उत्सव नहीं मनाएंगे कार्यक्रम में, लेकिन मोदी जी के यशस्वी 7 वर्ष पूरे होने पर हम देश भर में अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से हम सेवा के कार्य करेंगे और सेवा के कार्य के क्रम में ही
आज सभी उत्तर प्रदेश के सभी मोर्चों के कार्यकर्ता हमारे गोरखपुर क्षेत्र के भी सभी जनपदों में और गोरखपुर महानगर में यहाँ युवा मोर्चा से युवा मोर्चा, महिला मोर्चा, किसान मोर्चा, एससी मोर्चा, ओबीसी मोर्चा, एसटी मोर्चा और सब किसान सभी मोर्चों के कार्यकर्ता आज यहाँ युवा मोर्चा के कार्यकर्ता हमारे गोरखपुर क्षेत्र के जो युवा मोर्चा के अध्यक्ष रणजीत राय बड़े और गोरखपुर महानगर के अध्यक्ष राजेश गुप्ता जी के नेतृत्व में यहाँ रक्तदान का कार्यक्रम कर रहे हैं। 28, 29, 30 को पूरे प्रदेश में मोर्चों के सभी कार्यकर्ता रक्तदान का कार्यक्रम कर रहे हैं और उसी के क्रम में ये कार्यक्रम चल रहा है। ये हर हम लोगों ने हर जिले में लक्ष्य लिया है कि 100 यूनिट हम ब्लड डोनेट करेंगे, ब्लड बैंक की जितनी क्षमता होगी, नहीं तो अधिकतर हमारे कार्यकर्ता टेस्ट करा करके वो अपने उनका ब्लड ग्रुप क्या है ये टेस्ट कराएंगे और जब भी किसी के पेशेंट को आवश्यकता होगी तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ब्लड देने का काम करेंगे, उसी के तहत आज ब्लड डोनेशन का कार्यक्रम चल रहा है। 30 तारीख को हमारे गोरखपुर क्षेत्र के सभी सेक्टर में एक गांव में भी हम सेवा के कार्य को लेकर जाने वाले हैं। हमारे गोरखपुर क्षेत्र में 4222 सेक्टर हैं जिसमें लगभग 3800 से अधिक गांवों में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जाएंगे, उन गांवों में मेडिकल किट देने का काम हो या सैनिटाइजेशन का हो या सैनिटाइजर और मास्क का वितरण का कार्य हो या कुछ गरीबों को कुछ राशन किट देने का काम हो, इस सब प्रकार के सेवा के कार्य भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता जाकर करने वाले। कोविड की महामारी में इसी नाते ये ब्लड बैंक ब्लड डोनेशन का कार्यक्रम रक्तदान शिविर का कार्यक्रम चल रहा है ताकि ये कार्यकर्ता जब ब्लड दे देंगे तो ब्लड बैंक में बहुत बड़ी संख्या में इनके पास तो इनके नाम भी आ गए हैं और कहीं भी किसी की आवश्यकता होगी ब्लड देने का तो इनमें से हम ब्लड बैंक के माध्यम से भी उनको देंगे और अलग से भी देना होगा तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता किसी की जान बचाने के लिए तत्पर रह करके आगे आकर के हमारे कार्यकर्ता ब्लड देने का काम करेंगे।